स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड ईवीएस सब्जेक्ट चैप्टर फोर के हम आज एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसका ए पार्ट है ये। इसके अंदर इक्वेशन ए टिक राइट करेक्ट आंसर, जो राइट होगा आंसर उस पर आपको टिक मार्क करना है। इसे क्लियर, उसको मैंने लिखा है यहाँ पर डू इन नोटबुक, मतलब ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। क्लियर, टेक्स्ट बुक में तो करा ही है आपने। ठीक है, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पर भी टिक कर सकते हैं और नोटबुक में तो करना ही करना है। क्लियर, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हैंस आर कैप्ट इन, हैंस होते हैं जो मुर्गियाँ कहते हैं उनको कैप्ट इन, कहाँ रखा जाता है, अस्तबल में, सेड के अंदर या कूप के अंदर। तो किसके अंदर रखते हैं, कूप के अंदर, तो हमारा आंसर होगा कूप। क्लियर, वी गेट सिल्क थ्रेड्स फ्रॉम, हमें जो सिल्क थ्रेड मिलता है, जो रेशम का धागा है जो हमें मिलता है या प्राप्त होता है, किससे होता है। अब ऑप्शन में सिल्कवर्म से, हनी बी हैं, शिप हैं, तो बात करें हम, इसका आंसर तो सिल्कवर्म होगा, उससे मिलता है। हनी बी क्यों नहीं, क्योंकि हनी बी से तो हमें हनी और वैक्स मिलता है, शिप से वूल मिलता है, इसलिए हमारा सिल्कवर्म करेक्ट आंसर है। सिल्कवर्म से ही हमें सिल्क थ्रेड ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट, अ रैबिट इज कैप्ट इन एन, किसके अंदर रखा जाता है, अ या एन क्या आएगा, इसके अंदर रखा जाता है। रैबिट को एक्वेरियम के अंदर रखते हैं, केज के अंदर रखते हैं या हच के अंदर रखते हैं। अब बात करें एक्वेरियम, एक्वेरियम के अंदर फिश रखते हैं, केज में पैरट, और हच के अंदर रखते हैं हम रैबिट को, इसलिए हमारा आंसर होगा हच। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस बी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स, ब्लैंक्स भरने हैं मतलब खाली जगह, जो ब्लैंक बना हुआ था यहाँ पर, ये मैंने फिलअप करा, इसको बोलते हैं ब्लैंक बोलते हैं। क्लियर, इसको भी डूइंग नोटबुक, मतलब आपको अपनी नोटबुक में करना है। मैंने इसके अंदर दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड करें, इनको 2-3 मार्क कर रखा, और जो पीछे वाले क्वेश्चन थे उनकी मार्किंग चेंज कर रखी, लेकिन आपको नोटबुक में करना है तो ये इसी फॉर्मेट में लाइन से करिए, क्योंकि जो आपके इन बिटवीन क्वेश्चंस के अंदर भी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे, 2-3 थे साथ में, वो मैंने उनको इधर मेंशन कर दिया। इधर आप देख सकते हैं, एक बार कंफ्यूज नहीं हो तो, ये दो ही थे इधर, ये फर्स्ट एंड थर्ड को उधर मेंशन कर दिया मैंने, बीच वाला नहीं लिखा क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें क्वेश्चंस आ रखा है, उसमें गॉड था आंसर बफेलो, आपको पता है ये मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स कौन से होते हैं उसके बारे में था, ये बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो पहले देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर ही, फर्स्ट है काउज आर कैप्ट इन, काउज को कहाँ रखा जाता है, शेड में या अस्तबल के अंदर। ठीक है, तो शेड में रखा जाता है। फिर वही क्वेश्चन यूनिट में ले लिया, हॉर्सेस आर कैप्ट इन, हॉर्सेस को कहाँ रखते हैं, अस्तबल के अंदर। क्लियर, उनको वहाँ रखा जाता है। वी गेट मीट फ्रॉम, हमें मीट मिलता है कहाँ से, फिश से। ये फिश यहाँ पे लिखा है, आपको जो ऑप्शंस में वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा ना, वो आपको ऑप्शन का ध्यान रखना है। क्लियर, अब आपको पता ही है आप जो मीट ऑप्टेन करते हैं वो गॉड से, हैंड से, फिश तीनों से करते हैं, इसलिए ऑप्शन में जो होगा उससे, लेकिन ऑप्शन में अभी हम यहाँ पे फिश पढ़ रहे हैं तो एग्जाम में भी आपको फिश ही दिया हुआ आएगा। क्लियर, तो ज़्यादा आप परेशान नहीं हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फोर्थ कर दिया, ये जो थर्ड नंबर सेकंड नंबर था इसको फोर्थ कर दिया, फिर फिफ्थ सिक्स सेवन, ऐसे मैंने मार्किंग चेंज कर दी। क्लियर, तो कंफ्यूज नहीं हो आप कि सर हमारे यहाँ पर तो सेकंड दे रखा है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, आपने तो फोर फाइव सिक्स सेवन कैसे, ऐसे नहीं, वो दो मैंने ऐड करे तो इसलिए मैंने मार्किंग पीछे से चेंज कर दी, ये तो मैं अलग से पेपर पे लिखता सब कंटिन्यू, फिर वही बात रहती इसलिए। तो काउ एंड ब्लैंक आर फार्म एनिमल, कौन से फार्म एनिमल है, शिप है, टाइगर है। टाइगर तो फार्म एनिमल है नहीं, फॉरेस्ट में रहता है, बहुत ही डेंजर एनिमल है ना। ठीक है, तो शिप होगा इसका आंसर, जिसको भेड़ कहते हैं। वी गेट मिल्क फ्रॉम, हमें मिल्क कहाँ से मिलता है, गॉट और डॉग से बात हुई तो क्या मिलेगा, गॉट से। अभी अंदर हमने देखा था, ये देखिए यहाँ पता, वी गेट मिल्क फ्रॉम, यहाँ पे बफेलो, ऑप्शन में बफेलो था इसलिए सेम आ गया फ्लिंट ब्लैंक, इसलिए मैंने ये नहीं करा वहाँ पर, ताकि ये हॉर्सेज और ये फर्स्ट एंड थर्ड हमने यहाँ पर करा था, ये देखिए फर्स्ट एंड थर्ड, इसलिए कंफ्यूज। ठीक है, तो वी गेट मिल्क फ्रॉम गॉड, यहाँ पर ऑप्शन है उसके अंदर से। ठीक है, ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है और ऊपर लिखे हुए भी आ सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से लिखे हुए भी आ सकते हैं, ऊपर देखिए ऊपर लिखे हुए ना येलो बॉक्स के अंदर है, ऐसे ऐसे। सो वी गेट मिल्क फ्रॉम गॉड, वी शुड बी काइंड एंड ब्लैंक टू एनिमल्स, हमें जो बिल्कुल काइंड रहना चाहिए, वी शुड बी काइंड एंड जेंटल, जेंटल रहना चाहिए किससे, एनिमल्स से, रूड नहीं होना चाहिए, जेंटल बहुत अच्छे से रहना चाहिए, उनसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, उन पर बहुत प्यार से रहना चाहिए। एनिमल्स को जब भी आपके पास रहेंगे वो पेट एनिमल्स को अच्छे से रखोगे। डॉग एंड ब्लैंक आर पेट एनिमल्स, कौन से पेट एनिमल, बियर है, फिर आप देखो बियर भी फॉरेस्ट एनिमल्स है, बहुत जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स है। ठीक है, तो ये पेट एनिमल कैसे हो सकता है, इसलिए फिश आपका पेट एनिमल, और उसको आप किस में रखते हैं, एक्वेरियम के अंदर। क्लियर,
नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टिक द करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। जो जो ट्रू होगा उसके लिए आपको राइट टिक करना होगा, जो फॉल्स होगा उसके लिए क्रॉस में। एनिमल्स दैट आर केप्ट एट आवर होम्स आर कॉल्ड फार्म एनिमल्स। जो एनिमल्स हमारे घर पे रखे जाते हैं उन्हें फार्म एनिमल कहते हैं, गलत, उन्हें हम क्या कहते हैं, पेट एनिमल्स। काउ एंड बफेलोज आर फार्म एनिमल, काउ बफेलो फार्म एनिमल है, यस बिल्कुल सही, ठीक है। फिश आर केप्ट इन एक्वेरियम, फिश को, बिल्कुल सही, ट्रू। हैंस गॉड फिश गिव अस मिस मीट, बिल्कुल सही, मीट देते हैं। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ एनिमल्स, हमें एनिमल्स की अच्छी देखभाल करनी चाहिए, बिल्कुल सही, ट्रू। तो ये सभी स्टेटमेंट आपके, एक आपका गलत है, बाकी सभी सही है, इसके बारे में था, क्लियर। सो आज के लिए एक्सरसाइज पार्ट में इतना ही। इसका जो एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो कुछ और दो एक्सरसाइज हैं, मैथ द फॉलोइंग वाली और सर्कल ओड वन आउट वाली, क्रॉस वन ओड वन आउट वाली, टेक्स्ट बुक के अंदर ही उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्लियर। इसके लिए इतना ही, होप यू लाइक दैट, थैंक यू।